मधेपुरा के मोरलीगंज स्थित डब जूनियर प्ले स्कूल में फ्रूट्स डे का आयोजन किया गया। फ्रूट्स डे पर सभी बच्चों को फलों के रंग, नाम, गुणों एवं पहचान और स्वाद से अवगत कराने के उद्देश्य से विद्यालय प्रबंधन की ओर से शनिवार को फ्रूट्स डे का आयोजन किया गया। फ्रूट्स डे की तैयारी के लिए सभी अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन के द्वारा फलों की व्यवस्था की गई थी। आयोजन के मौके पर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा बच्चों को विभिन्न फलों के नाम, रंग, स्वाद और उनके गुणों से अवगत कराया गया। सीधे खड़े रहो सब। माध्यम से हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब फास्ट फूड के और काफी ध्यान दे रहे हैं। वो फास्ट फूड खाने के लिए एकदम मम्मी पापा को परेशान करते रहते हैं और फ्रूट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं, जो कि उसकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ऐसे फ्रूट्स डे बनाने से बच्चों फ्रूट्स के बारे में जान भी पाएंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल में डिफरेंट भी जान पाएंगे और वो खा भी पाएंगे और उससे एनर्जी भी मिल पाएगी। इसीलिए हम पेरेंट्स को भी बोला गया है कि इन्हें फ्रूट्स दे लंच में, और हमारे स्कूल में लंच मेन्यू भी बनाया गया है जिसपे कि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, और हम मैसेज के माध्यम से कह रहे हैं कि प्लीज़ 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 पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान दें और लंच मेन्यू के हिसाब से उनको लंच दें। आज हमारे विद्यालय की तरफ से एक तरह से समझिए कि एकदम नई सोच के साथ बच्चों के बीच फ्रूट्स डे मनाया गया, और हम लोगों का मेन उद्देश्य था कि बच्चों को फ्रूट्स से संबंधित चीज़ें बताई जाए, और इसके लिए हमने एक इवेंट आयोजित किया जिसे हमने फ्रूट्स डे नाम दिया। और इसमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स बच्चों को कहा गया था कि वो घर से लाएं, और स्कूल की तरफ से भी व्यवस्था की गई थी, और उसके बाद सारे फ्रूट्स में क्या क्या उसके फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं वो बताया गया, और देन फिर फ्रूट्स के साथ हम लोग सभी बच्चों के साथ हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, सभी बच्चों को हमने खिलाया। तो